इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्लेन अ वेरी फेमस ब्लैक शोल्स मॉडल सो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन तो ऑप्शन की जो प्राइसिज होती हैं कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है उसकी प्राइसिस को डिटर्मिन करने के लिए बहुत से इदारों में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मॉडल इस्तेमाल होता है दैट इज लाइक ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट आर यूज वन वेरी प्रोमिनंट मॉडल इज और फ्रीक्वेंटली यूज और एक्सटेंसिवली यूज मॉडल इज द ब्लैक शोल्स मॉडल ब्लैक शोल्स मॉडल का को हम ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल भी कहते हैं या इसको बी एस एम मॉडल भी कहते हैं सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो के ब्लैक शोल्स मर्टन को ये पर्टिकुलर मॉडल को पेश करने के पर नोबेल प्राइज भी दिया गया है सो so, इससे इस इन इस पर्टिकुलर मॉडल की अहमियत का अंदाज़ा होता है सो so, बेसिकली ये ये है क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से कॉल और पुट ऑप्शन की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए हमें हेल्प करता है सो इट हेल्प्स आस इन डिटरमिनिंग द प्राइस ऑफ द कॉल और द पुट ऑप्शन और इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है दैट इज़ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरेवेटिव डले हुए हैं मैथमेटिकल डेरेवेटिव वो इंक्लूड हों ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ना ब्लैक शोल्स मॉडल जो है वो उसके अंदर उसके जो फॉर्मूला है उसमें हमें पांच तरह के वेरिएबल्स की वैल्यूज को वो लेके चलता है उसकी उसके हेल्प से वो हम प्राइस की प्राइस ऑफ द ऑप्शन को डिटर्मिन कर सकते हैं अब वो पांच चीज़ें कौन सी हैं सबसे पहले वी नीड टू नो द करंट स्टॉक प्राइस इस वक्त स्टॉक का क्या प्राइस है उसके अलावा हमें पता चलना पता चला लगाना होता है कि अभी एक्सपायरेशन के ऊपर अभी कितना टाइम रहता है नेक्स्ट इज़ रिस्क फ्री रेट क्या है और चौथी अहम चीज़ जो है दैट इज़ जो हमने वोलेटिलिटी की बात की थी कि हमारे पास हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होती है और इम्प्लाइड वोलिटिलिटी है ये दोनों बातें आपको पता होने चाहिए नाउ ब्लैक शोल्स मॉडल कुछ असम्पन्स के ऊपर बेस्ड है और ये असम्पशंस हमें एक्सप्लेन करने में मदद देती हैं कि क्यों प्राइसिस जो हैं वो रियल वर्ल्ड के रिजल्ट से फ़र्क क्यों हो जाती हैं जो प्राइसिस इसने डिफ़ाइन करके दी हुई है, हैं और कि ये प्राइस रखें और असल में हम जब मार्केट के उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रख के देखते हैं कि प्राइसेस क्या हैं तो उनमें अगर आपको फ़र्क देखने को मिलता है तो ब्लैक शोल्स मॉडल बताता है या ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल बताता है कि अगर आप ये एसम्पशन को मार्किट्स फॉलो करती हैं तो फिर तो मेरे फॉर्मूला के मुताबिक ही कीमतें तयन होती हैं मगर अगर वो एजाम्पन्स वायलेट कर जाएं तो फिर जो कीमत आपको मिलेगी दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द द एक्चुअल प्राइस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस दैट हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द ब्लैक शोल्स मर्टन मॉडल द स्टैंडर्ड बी मॉडल इज ओनली यूज टू प्राइस द यूरोपियन ऑप्शन वही वजह यूरोपियन ऑप्शन में एक लाजिम शर्त है कि वो मेचोरिटी डेट के ऊपर एक्सरसाइज हो सकती है उससे पहले नहीं हो सकती इसलिए बी एस एम मॉडल में सिर्फ यूरोपियन स्टाइल की ऑप्शन की कीमत का ही तयन किया जा सकता है नाउ देर आर सेवरल असाम्पन्स जिसके ऊपर बी एस एम मॉडल बेस करता है उसमें सबसे पहली असम्पशन इज दैट नो डिविडेंड आर पेड आउट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑप्शन तो जिस स्टॉक्स के ऊपर आपने की बेसिस के ऊपर आपने ऑप्शन डिफाइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं ये हमने अस्यूम किया है बी एस एम मॉडल के अंदर कि वो डिविडेंड्स नहीं देते राइट उनकी कंपनियां जिनके वो स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं वो डिविडेंड नहीं देंगे इस पर्टिकुलर असम्पन को लगाया गया है इस पूरे एनालिसिस को मुख्तर बनाने के लिए राइट सो so, अगर डिविडेंड देता है तो फिर बी एस एम आपको उसकी कीमत को तयन करके नहीं दे सकता राइट अगर अमेरिकन स्टाइल है तो फिर आपको ये मॉडल उसकी ऑप्शन uh, की कीमत को डिटर्मिन करके नहीं दे सकता तो दीज आर वी नीड टू सी के ए वेदर अ सर्टन ऑप्शन इज फुलफिलिंग दसम्शन ऑफ बी एस मॉडल ओनली देन यू विल बी एबल टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ दैट ऑप्शन यूजिंग दिस मॉडल असम्पशन नंबर टू कहती है कि जो मार्केट्स हैं वो रैंडम होते हैं इसका मतलब है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव है फ्लक्चुएशन है वो प्योरली रैंडम है रैंडम का मतलब होता है कि हम उनके बारे में पहले से पता नहीं लगा सकते वो अनप्रडिक्टेबल हैं असम्पशन नंबर तीन कहती है कि जिस मार्केट में आप अभी ऑप्शंस खरीद और फरोख करने जा रहे हैं उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट किसी किस्म की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अभी ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ मनी है या एक्सपेंडिचर है जो कि आप इनकर करते हैं किसी भी डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करा आपने उसके लिए कुछ पेमेंट की वो हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहलाएगी या आपने कोई कमीशन या एजेंट्स को कोई फीस पे की टू हैव देयर एक्सपर्ट ओपिनियन तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बाय करने के अलावा जो एक्स्ट्रा खर्च आप करते हैं दे अकाउंट टू बी अमाउंट टू बी और सम अप एज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो हम अभी ये एक और असम्पशन लगा रहे हैं बी एस एफ मॉडल की कि जिस ऑप्शन के हम बात करें वहाँ बाइंग द ऑप्शन में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है नेक्स्ट असम्पशन इज के जो रिस्क फ्री रेट है एंड द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट वो हमें ऑलरेडी मालूम है और वो उनमें फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे वो कॉन्स्टेंट भी हैं नेक्स्ट असम्पशन इज द रिटर्न अंडरलाइंग एसेट आर लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो जो रिटर्न है उनको अगर आप प्लॉट करेंगे तो यूप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न इसके अलावा उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती राइट सो अभी हमें पता है कि जो डेटा को हम प्लॉट करते हैं रिटर्न का तो इट कैन टेकअप एनी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट नेसेसरी हमेशा आपको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही मिले सो so, यहाँ ये एक और असम्पन है द लास्ट असम्पशन इज द ऑप्शन is European and can only be exercised at expiration. If we look at the formula, the call price given by capital C will be calculated by using this formula, which is where we have we can see that C is equal to ST ND1 minus KE raised to the power minus RT ND2, right? अब ये जो डी वन यहाँ लगा हुआ है और डी टू लिखा हुआ है इसके लिए ये फार्मूला उन्होंने एक्सप्लेन किया है right? राइट अभी जो एस है दैट इज अ स्पॉट प्राइस तो मैं अभी इन इन सारे जो रोटेशन इस्तेमाल की हुई है दैट मैं अभी उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ सो वी हैव गॉट डी वन इक्वल टू दीज वैल्यूज एंड वी हैव गॉट द डी टू जो जिसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ लिख के बताया गया है सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि ब्लैक शोल्स कॉल ऑप्शन फॉर्मूला जो अभी आप देख रहे थे इसमें हम करते ये हैं कि वी मल्टीप्लाई द स्टॉक प्राइस बाय द क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और वो क्या है वो वो ये है तो आपने करना क्या है कॉल ऑप्शन की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए आप स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से और उसके बाद आप ये आपका जो ये वाला सेक्शन है अगैन वी आर टॉकिंग अबाउट हमने रिज्यूम किया हुआ है कि जो हमारी रिटर्न um, है दे विल बी फॉलोइंग द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो नेक्स्ट वी नेक्स्ट वी कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एन पी वी ऑफ द स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इस पर्टिकुलर वैल्यू को फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द प्रीवियस कैलकुलेशन से सो so, अभी हमने क्या किया हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू लिया स्ट्राइक प्राइस का इससे निकलेगी राइट right? और इसको हमने हमारे जो अगेन वी आर अस्यूमिंग इट हैज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको मल्टीप्लाई करके इस पर्टिकुलर वैल्यू से जो कि स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाई द क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म्स निकाली और फिर इस टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है पहली टर्म से तो जो आपको वैल्यू आएगी दैट विल बी द कॉल प्राइस ऑफ दैट ऑप्शन सो उसकी जो कॉल प्राइस है आप इस तरह से इस फॉमूला के तहत डिटर्मिन कर सकते हैं कॉल प्राइस ऑप्शन आपको पता होती है तो उसकी मदद मतलब से आप पुट प्राइस को भी ब्लैक शोल्स के फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं ना अभी जो मैंने सिम्बल इस्तेमाल किए हैं उनमें सी जो था मैंने पहले भी वजाहत की है अभी उसको फर्दर एक्सप्लेन करने लगी हूँ कैपिटल सी इज द कॉल ऑप्शन प्राइस कैपिटल एस इज द स्टॉक प्राइस जो अभी इस वक्त करंट स्टॉक प्राइस है वो है कैपिटल के इज द स्ट्राइक प्राइस और जो आपके पास आर डला हुआ था दैट इज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट स्मॉल टी इज द टाइम टू मेचोरिटी इट कुड भी इन डेज इट कु इन वीक्स इट कुड बी इन मंथ्स और जो कैपिटल एन है दैट इज स्पेसीफाइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नाउ वी लुक एट अ फॉर्मेल यू कैन सी कि आप यहाँ पे जो ये आर है इस ये आपका रेट इंटरेस्ट फ्री रेट है और ये जो टी है दैट इज अ टाइम विच इज रिमेनिंग टू मचॉरिटी और यहाँ हमने बोला कि जो डी टू है इस ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर हमने बोला डी वन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के फॉर्मूला बता दिए आप इस पर्टिकुलर चीज को आपने टर्म को स्पॉट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है करंट स्पॉट प्राइस के साथ और ये जो है आपका ये स्ट्राइक प्राइस है इसको आपने मल्टीप्लाई किया ई रेस्ट दि पार रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच टाइम इज लेफ्ट टू मेचोरिटी और अगेन इसको हमने डी टू से मल्टीप्लाई किया ये कैपिटल एन बता रहा है इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और डी टू कैसे कैलकुलेट होगी दैट इज ऑप्टेन बाय िटी के बने के लिए मैंने आपको बताया ये सिग्मा एस जो है दैट इज एन इंडिकेटर और मैर ऑफ वोलेटिलिटी सो टूगेदर यू आर गोइन टू फाइंड आउट फर्स्ट यू आर गोइंट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज फाइव नंबर वेरिएबल्स या फाइव फैक्टर्स इनको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हम प्लग करेंगे एंड यू कैन फाइंड आउट द कॉल ऑप्शन प्राइस इसी तरह से आप पुट ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं